Hey everyone, this is Rohit Rathore and you are watching अपनी कक्षा फॉर कॉमर्स। तो बेसिकली एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि भैया अगर हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जाते हैं तो हम बैकअप में कौन सी डिग्री रखें, क्या प्लान रखें, हमारा प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अगर हम किसी भी टाइप की कॉम्पिटेटिव एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जाते हैं, चाहे वो UPSC हो, चाहे बैंक BO हो या SSC हो, तो हम हमारे बैकअप में कौन सी डिग्रीज रखें या बैकअप में हमारा प्लान बी में क्या रखें। अगर हम इनकी प्रिपरेशन के लिए जाते भी हैं तो हमें कौन सी डिग्री परस्यू करनी चाहिए मोस्टली। तो मेनली तो मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा, अगर आप किसी भी मेन स्ट्रीम से हट करके अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो बेसिकली आपका एक क्लियर होना चाहिए माइंड में, अगर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ तो मुझे पर्टिकुलर वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम फोड़ के आनी है, चाहे वो SSC हो, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो बैंक PO हो। तो बाकी आप बोलते हैं भैया हमें एक डिग्री की जरूरत होती है, चाहे हम ग्रेजुएट हो, हमारे पास एक डिग्री हो तब हम इस जॉब के लिए अपेयर कर सकते हैं या फिर इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली हाँ, ये सही बात है, आपको एक डिग्री होना बहुत जरूरी होता है। तो आपको अगर आप इसके लिए जाते हैं, आप अगर पूरे एम्बिशियस हैं अपने गोल के लिए, तो आपको बिल्कुल एक ऐसी डिग्री चूज करना चाहिए जो आपके CGL या फिर जो भी आप जिस चीज़ की भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके आड़े ना आए। जैसे अगर आप कॉलेज ऐसा ले लेते हैं तगड़ा सा, आप डिग्री बढ़िया से ले लेते हैं जहाँ पे आपको 75% अटेंडेंस देनी है, सारे असाइनमेंट्स करने हैं, सारी एग्जाम्स देना कंपलसरी होता है, आपको डेली रेगुलर बेसिस पे कॉलेज जाना होता है, तो आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस नहीं कर पाएंगे। मेनली कॉम्पिटेटिव एग्जाम टफ होती है, टफ इसलिए नहीं, इन द सेंस ये नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट लेवल का पेपर आता है, टफ इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, जिसके कारण इसमें जो एप्लीकेशन होते हैं वो बहुत हाई नंबर में होते हैं और जिनका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाता है जिसी कारण से, और कम लोग सेलेक्ट होते हैं ड्यू टू ज़्यादा एप्लीकेशन होते हैं, सीट्स कम होती है, इसीलिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। जब आप बेस्ट का बेस्ट देना होता है आपको अपने, तो अगर आप जा रहे हैं किसी भी चीज़ में, चाहे आप कोई सी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो अपना बेस्ट अपने गोल बना के जाएं कि अगर मैं जा रहा हूँ इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो फोड़ के हूँ, तो ये क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में बेसिकली। पर आज हम ऐसी कुछ डिग्रीज तो आपको कंपलसरी करना ही होगी, तो हम ऐसी कुछ डिग्रीज की बात करेंगे, कोर्सेज की बात करेंगे जो आप अपने इसके बैकअप के लिए रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मोस्ट फेमस कॉमर्स वालों के लिए जो होती है वो BCom होती है, आप BCom ले सकते हैं। तो बेसिकली BCom 3 ईयर का कोर्स होता है, आपको BCom में कई सारी स्पेशलाइजेशन होती है, उसी के बाद BA है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स जिसे कहते हैं, इसमें भी स्पेशलाइजेशन हो जाती है आपकी, इकोनॉमिक्स से होता है, हिंदी से होता है, अर्थशास्त्र से कई सारे होते हैं अगर हिंदी मीडियम से कोई बचा है तो, इस टाइप से ये भी 3 ईयर्स का एक ड्यूरेशन होती है। इस टाइम आपके अपनी प्रिपरेशन पे भी ध्यान दे सकते हैं, 3 साल आपके लिए बहुत होते हैं और काफ़ी एक डिग्री भी हो जाती है आपकी 3 ईयर्स में। उसी की बात करें BBA, उसी के बाद बात करें अगर, तो BBA 3 ईयर्स का कोर्स है जो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है। इसी के बाद नेक्स्ट BCA यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये अगर आप कोडिंग वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, अगर आप अपना परस्यू करना चाहते हैं कि अगर मेरा एक कंप्यूटर एग्जाम में नहीं हुआ तो मैं अपनी कोडिंग या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस को लेकर कुछ अपना करियर बना सकूं, ऐसा कुछ मुझे एक बेसिक नॉलेज हो, तो आप उसके लिए BCA जा सकते हैं, 3 ईयर का कोर्स होता है, बैचलर डिग्री है, इसमें MCA मास्टर डिग्रीज होती हैं, हर में जो डिग्री बता रहा हूँ उसकी एक मास्टर डिग्री है जो कि 2 साल की है, कहीं से 3 साल की है। तो इसी टाइप से आप अगर गर्ल्स की बात करें तो मास कम्युनिकेशन, आपने एंकर जो देखे होंगे टीवी पे, गर्ल्स एंकर जो मास कम्युनिकेशन में या जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो वो उसका भी एक कोर्स होते हैं, इसमें या तो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं या फिर डिप्लोमास होते हैं जो कि 1 ईयर से 3 साल तक के होते हैं, सर्टिफिकेट वहीं पे 6 महीने के होते हैं, वहीं डिप्लोमास 2 साल तक के होते हैं इसमें। तो अगर आप मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में अपना करियर भी बनाना चाहते हैं साथ साथ, तो आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। वहीं अगर आप आर्टिस्ट अच्छे हो, जैसे कि मैं बहुत अच्छे स्केचेस बना लेता हूं काफ़ी, पर अगर आपको इंटरेस्टेड आप इसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो जो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट है BFA, आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। बैचलर की डिग्री होती है आपके BFA की, जो कि आपकी 2 साल से 4 साल तक के कोर्स होते हैं, इसमें अलग अलग टाइप्स के, आप अपने हिसाब से जो भी अगर आप चाहें इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। एक बार मैं आपको सारे कोर्सेज लिखे हुए बता देता हूँ, आप उसके गो थ्रू कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट आपके लिए BCom है जो कि बहुत ही आप सभी लोग जानते हैं, 3 ईयर का कोर्सेज होता है। उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती है, ये भी 3 ईयर्स का कोर्स है। BBA है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 ईयर्स का कोर्स है। BCA है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा एक करियर ऑप्शन हो सकता है अगर आप अल्टरनेटिव में या प्लान बी कहें, या फिर बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो सकता है। 6th है हमारे पास बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। उसके बाद 7th है बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, अगर आप अलग अलग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये सारे वो हैं करियर ऑप्शंस हो सकते हैं जो आपको अल्टरनेट या प्लान बी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिस्ट, अगर आप भी मास कम्युनिकेशन या एंकर बनना चाहते हैं, किसी भी पॉपुलर न्यूज़ चैनल पर आप एंकरिंग का मौका मिल सकता है। उसी के बाद अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, आपको ड्राइंग्स या स्केचेस से बहुत अच्छा लगता है, तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स आपके लिए बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। ये 2 to 4 ईयर के कोर्सेज होते हैं, मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमास और सर्टिफिकेट्स होते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली यार ये सारे कोर्सेज हैं, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं आपकी क्वेरीज, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी सारी क्वेरीज आप देख सकते हैं। और बहुत ही जल्दी एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है आपके लिए,
और वो है अ डे इन अ लाइफ ऑफ कैट एस्पिरेंट, जो कि मेरी आपको डेली रूटीन देखने को मिल सकता है। तो वहीं पर अगर आप इन चीज़ों की बात करें तो होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये सारी डिग्रीज हैं जो अपने आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो अपने बैकअप में यूज़ कर सकते हैं, ना बैकअप के लिए रख सकते हैं। और आपको बेसिकली एक बैकअप प्लान तभी हो जब आप श्योर ना हो कि आप उस क्रैक कर पाएंगे इस एग्ज़ाम को, अगर आप दे रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। बेसिकली अगर आप, मेरा तो यह मानना है, अगर आप जा रहे हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, वहाँ पे बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, मैं डरा नहीं रहूँ। बेसिक रियलिटी है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं, बहुत कम सिलेक्शन रेशो होता है। तो आप अगर अपना बेस्ट दें, 2 साल अगर आप चाहें तो अपनी बेस्ट दे करके एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं और बेसिकली अपना ब्राइट फ्यूचर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो थैंक यू, होप आपको वीडियो पसंद आएगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।